Good evening, dear learners, and most welcome at Philaform. This is Sukhwanti Goswami. I take English class at Philaform. Dear students, we have started PYQ MCQ series. So, dear students, without being late, quickly keep on joining. सभी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी ज्वाइन करें और अपनी स्पीड इंक्रीज करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें. यस डियर स्टूडेंट, दिस इज फिलअपफॉर्म प्लेटफॉर्म जो आपके लिए बहुत यूजफुल है. जिस स्टूडेंट्स ने अभी तक फिलअपफॉर्म ऐप डाउनलोड नहीं की है वो डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर सभी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है. वेरी गुड इवनिंग स्वाति देसवाल. यस, और ये हमारा टाइम टेबल है सभी सब्जेक्ट्स का, सी टेट के लिए, केवीएस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं. हाँ बिल्कुल बढ़िया स्वाति, आप कैसे हो? तो जो स्टूडेंट सी टेट और केवीएस की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत यूजफुल है. यस, और आपको यहाँ पर क्रैश कोर्स भी मिल रहा है. और जिस स्टूडेंट्स को लगता है कि उसको टेलीग्राम या यूट्यूब पर कुछ चलाना नहीं आता है, तो उनको सभी क्लासेस, पीडीएफ, नोट्स सब कुछ ओनली व्हाट्सएप पर मिल रहा है, तो वो भी इस चीज़ का फायदा उठाएं. ओके, बहुत अच्छा. सभी अपना हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है. यस, एक दो मिनट वेट करते हैं स्टूडेंट्स का, क्योंकि फिर हम एमसीक्यू सीरीज करेंगे बिना रुके, बिना टाइम वेस्ट किए. और आप सिर्फ अपनी स्पीड इंक्रीज करते रहेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग आंसर देंगे. सभी क्वेश्चंस हम लोग पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं. अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज यू विल कंटिन्यू. यस स्टूडेंट्स, क्विकली कीप ऑन जॉइनिंग, कम फास्ट. यस, चलो तब तक स्टूडेंट्स को थोड़ा शेयर कर देते हैं. क्या बात है भाई, अभी तक स्टूडेंट्स आए नहीं हैं. फिर हम स्टार्ट करते हैं. यस स्वाति, मेक मी कंफर्म, इज ऑडियो वीडियो एवरीथिंग फाइन? वेरी गुड इवनिंग सीरत. यस स्टूडेंट्स, मेक मी कंफर्म, ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग फाइन? ओके, थैंक यू स्वाति. ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स आते रहेंगे, जो लास्ट में आएगा उनका लॉस है. बहुत अच्छा किया आप लोग जो स्टार्टिंग में आ गए. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे और सभी ऑप्शंस के आंसर देंगे, जो सही है वो भी देंगे और बाकी जो ऑप्शन है उनके आप लोग राइट करेंगे चैट बॉक्स में. ओके, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा सभी क्वेश्चनों का. A student's speed of processing, slow spoken and written. उसका बोलने में और लिखने में स्लो है एक स्टूडेंट, ये किसके कारण होता है? यस, उसमें
कौन सी डिसएबिलिटी है जिसकी वजह से स्टूडेंट, हाँ वेरी गुड इवनिंग नीलमणि जी, ओके प्रेजेंट लगा दी है आप लोगों की, बहुत अच्छा। चलो बिना देरी किए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और सभी ऑप्शन के आंसर राइट करते रहेंगे, ठीक है? जैसे इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताएं, और फिर जो और ऑप्शन है उनके बारे में भी डिटेल में राइट करेंगे। व्हाट इज डिसग्राफिया, डिसमोर्फिया, डिसकैल्कुलिया और डिसलेक्सिया? स्टूडेंट स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग स्लो स्पोकन एंड रिटर्न बिकॉज ऑफ, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। यस हाँ, डिसग्राफिया ओनली राइटिंग से रिलेटेड है सीरत, इसमें दोनों चीज थी। स्लो है, धीमा है स्टूडेंट बोलने में भी, यानी कि उसको प्रॉब्लम है बोलने में भी, वर्ड्स को समझने में भी और लिखने में भी। हाँ कैलकुलेशन डिसऑर्डर होता है आपका, कैलकुलेशन से रिलेटेड है, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया नहीं होता कैलकुलेशन का, डिसकैलकुलिया। एक बार सभी पे आप लोग गूगल सर्च करेंगे और अच्छी तरह से डिटेल में करेंगे, ठीक है? बाकी आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देते जाइए। हाँ डी सी डी की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, और डिसप्रेक्सिया क्या होता है इसमें से आप ऑप्शन में से बताएंगे। यस डिसकैलकुलिया काउंटिंग से रिलेटेड, कैलकुलेशन से आप कर सकते हो। डिसग्राफिया ग्राफ ओनली रिटर्न से रिलेटेड, जो बच्चा बी का डी राइट कर देता है, W का M, वो हो गया आपका डिसग्राफिया। हाँ कोई बात नहीं, इनमें से एक क्वेश्चन आप लोगों का पक्का आएगा, तो ये सभी ध्यान से देख ले और सभी ऑप्शन राइट करते जाएं, ठीक है? डी सी डी डिसप्रेक्सिया, डिसप्रेक्सिया क्या है? इट हैज प्रॉब्लम विद मूवमेंट, मोटर लर्निंग डिफिकल्टीज, इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन दे देंगे और फिर पूछ लेंगे। इट अफेक्ट्स द बॉडीज इम्यून एंड नर्वस सिस्टम, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। अब देखो डी सी डी आपका आता है डिसप्रेक्सिया में, तो हमें डी सी डी का भी बताना है और डिसप्रेक्सिया का भी बताना है, ठीक है? हाँ वेरी गुड इवनिंग संतोष, एक बार सभी देख लें। डी सी डी डिस्प्रेक्सिया के अंदर आता है आपका, और व्हाट इज डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया से रिलेटेड इसमें और क्या क्या चीजें हैं? हाँ बिल्कुल, लोकोमोटर स्किल आपका डिस्प्रेक्सिया में आता है, तो ये सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, एक बार ध्यान से पढ़ ले। हाँ बिल्कुल, हाँ ये रीडिंग से डिसलेक्सिया हो गया आपका, पढ़ने से मतलब, ठीक है? रीडिंग की प्रॉब्लम, और ग्राफिया होगा आपका राइटिंग की प्रॉब्लम, ओनली राइटिंग। हाँ तो आपका ऑप्शन ई सही हो जाएगा, एक बार ध्यान से देख लें। डीसीडी की फुल फॉर्म भी आपकी इसके अंदर आती है, डिसप्रेक्सिया क्या है उससे रिलेटेड सभी ऑप्शन है, ठीक है? फियर ऑफ हाइट। अच्छा एक बार सभी बताएं क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, क्लास अच्छी लगती है तो लाइक किया करो, बहुत कम स्टूडेंट्स लाइक करते हैं और शेयर तो आप लोग करते ही नहीं हो शायद, क्लास को प्लीज शेयर भी कर दिया करो भाई।
थोड़ा सा मैम के बारे में भी सोच लिया करो, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग शेयर करोगे तो। यस, और सभी जितने भी क्वेश्चन हैं सभी स्टूडेंट्स गूगल सर्च करेंगे, अच्छी तरह से सेल्फ स्टडी भी करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस आप लोगों को यहाँ करने का मौका मिल रहा है। फियर ऑफ हाइट जल्दी जल्दी बताएं। ओके, थैंक यू स्वाति, नीलमणि जी, तीरथ, ओके संतोष, थैंक यू। जल्दी जल्दी आंसर देते जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। बहुत क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। फियर ऑफ हाइट जल्दी से आंसर दे, आई एम वेटिंग फॉर यू, टाइम हो चुका है। हाँ देखो, फियर ऑफ हाइट, ये सभी मैंने फियर फोबिया निमोनिक के साथ याद करवाए हुए हैं, अगर आप लोगों ने मेरी क्लास ज्वाइन की थी तो याद भी होगा। फियर ऑफ हाइट देखो, मैंने निमोनिक के साथ याद करवाए, हाइट अक्रॉस कर गया आपका एरोप्लेन, बहुत ठीक है, अक्रॉस ऊपर हो गया बहुत ज्यादा। तो इसमें से आप देखो, ऑप्शन में से एक्रोफोबिया हो जाएगा, एक्रोफोबिया हाइट का डर, बहुत ऊंचाई से जिसको डर लगता है। एरोप्लेन से याद रख लो, एक्रो एरो, ठीक है, ऐसे हो जाएगा आपका हाइट का डर, एक्रोफोबिया। फिर है आपका सोफोफोबिया, व्हाट इज सोफोफोबिया, पता है किसी को, डू यू नो। सोफोफोबिया होता है आपका लर्निंग का डर, स्टडी का डर, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लर्न करने से डरते हैं, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो एग्जाम के टाइम में फीवर हो जाता है। यस, तो इसलिए जो जरूरी जरूरी है मैं वो लेके आई हूँ, सोफोफोबिया। ये समझ लो, बच्चा डर के सोफे पे बैठ गया, पढ़ना नहीं है उसको, ठीक है। सोफोफोबिया लर्निंग का डर, स्टडी का डर। ग्लोसोफोबिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टेज पर बोलने से डरते हैं, बहुत सारी भीड़ के सामने, लोगों के सामने बोलने से डरते हैं, वो हो गया ग्लोसोफोबिया, ठीक है। सुन रहे हैं, अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। यस, देखो सोफोफोबिया हो गया आपका, मान लो लर्निंग का, नॉलेज का, स्टडी का फियर, ठीक है। हाँ, तो आप डिस्थीमिया की डेफिनेशन राइट करेंगे, व्हाट इज डिस्थीमिया, बिल्कुल ऐसे ही राइट करते जाएं। कितने बच्चों को सोफोफोबिया है, ग्लोसोफोबिया, ओ ठीक है, ग्लोसोफोबिया यानी कि आपको माइक दे दिया पकड़ के, पकड़ने के लिए, और यहाँ पर बहुत लोग हैं, जनता है चारों तरफ, ठीक है, और यहाँ पर आप खड़े हो तो आप डर गए। क्यों डर गए भाई, लोगों के सामने बोलने से, भीड़ में बोलने से आप डर गए, तो हो गया ग्लोसोफोबिया। एक्वाफोबिया, एक्वा, एक्वा से हो गया आपका पानी का डर, जिसको वाटर से डर लगता है, ठीक है, फियर ऑफ वाटर, पानी से डर लगता है। ओके, क्लियर सीरत, सभी हो गए क्लियर। एक्रोफोबिया हाइट का डर, एक्वाफोबिया वाटर का फियर, ग्लोसोफोबिया बहुत सारे लोगों के सामने भीड़ में बोलने का डर, सोफोफोबिया नॉलेज लेने का, पढ़ने का, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, ऐसे ही राइट करते जाएंगे।
फिर आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, कितने स्टूडेंट्स को डिस्थीमिया है, कितने स्टूडेंट्स को एक्वाफोबिया है भाई, कितने स्टूडेंट्स को एक्रोफोबिया है, ठीक है? ऐसे ही मजे से याद करते जाएंगे। कोई प्रॉब्लम? क्लास अच्छी लग रही होगी? चलो, आज स्टूडेंट्स कम है, बट आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया है शायद। हाँ, आज कौन कौन नहीं है? यस, एक तो टीना नहीं है, और जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनमें से एब्सेंट हैं। तो आपको डरना नहीं है। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस टू इंडिया इन, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाँ बिल्कुल सीरत, टीना जी नहीं है। देखो, अच्छा नहीं लगता जब हमारे रेगुलर स्टूडेंट अब्सेंट होते हैं और इतने अच्छे क्वेश्चन उनके मिस हो रहे हैं आज। इंग्लिश लैंग्वेज कब इंट्रोड्यूस्ड की गई इंडिया में? यस, 11th सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, या किसी में भी नहीं? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, जो नहीं आए उनका लॉस है, जो आए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। यस, जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा। और प्लेलिस्ट में से मेरी सभी क्लासेस निकाल लीजिएगा। यस, इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्टिंग में आ गई थी हमारी 17th सेंचुरी में, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 5, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपके लैंग्वेज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं आपके। यस, क्वेश्चन 5, सभी चीजें बिल्कुल डिटेल में राइट कर सकते हो आप लोग। वेरी गुड इवनिंग नसीमा। यस, इंडिया हैज डैश सेपरेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इंडिया में सेपरेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी यूज की जाती हैं? इट इज होम टू अ टोटल ऑफ टोटल लैंग्वेज एंड डैश मदर टंग, और कितनी मदर टंग? ऑप्शन में से हमें बताने हैं, ठीक है? बिल्कुल, हाँ, जिसको नॉलेज है वो आंसर दे देंगे। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड इवनिंग नसीमा। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल सही। चलो, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। और अगर टाइम ज्यादा लग रहा है आप लोगों को तो हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। और डैश शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हाँ, इस टाइप से अदर जानकारी जो है आप वो भी राइट कर सकते हो, बहुत अच्छा। आर्टिकल 343 ए, यस, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिएगा। लखनी यादव, आप एक बार इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। वैसे हम लोग हर रोज अपलोड कर रहे हैं नोट्स। ओके, स्पीड ओके है, ठीक है। चलो, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। बिल्कुल, ऑप्शन ए सही आंसर है, ऑप्शन ए आएगा। यस,
8th शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में बताया गया है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में। इंग्लिश लैंग्वेज स्क्रिप्ट, इंग्लिश लैंग्वेज कौन से स्क्रिप्ट में राइट किया गया लैटिन अल्फाबेट में, अरेबिक अल्फाबेट, देवनागरी, गुरुमुखी। व्हाट्सएप पर नहीं मिलता, आप एक बार इस नंबर पर कॉल कर ले और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए। आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है? एचटेट ग्रुप में हो क्या सभी, ये बता दो मुझे। सर के जो एचटेट ग्रुप है सर का, जो सर मैसेज सेंड करते हैं, उसमें आप लोग सब हो? यस बिल्कुल, 7 का फर्स्ट होगा, बहुत सही, लैटिन अल्फाबेट। यस, कुछ ग्रामर्स के क्वेश्चन भी आएंगे बीच बीच में। अच्छा एक बार आप लोग सब बताओ, एच डेट ग्रुप में हो, सर के ग्रुप में हो ना सब? इंग्लिश का टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है? ठीक है, सर से बात करते हैं। तो फिर क्या बात है भाई, आप लोगों को नोट्स नहीं मिल रहे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिएगा और सभी मेरी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पेपर से पहले सभी वीडियोस देख लेना, काम करते करते, चलते फिरते। ओके ओके यस, क्वेश्चन 8 का आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी। हाँ मुझे पता था, क्योंकि नीलमणि जी ने मेरी ग्रामर की क्लास ज्वाइन नहीं की है, तो इसलिए आप रॉन्ग करोगे। बाकी लोगों ने क्लास ज्वाइन की थी, इसलिए सबका ठीक है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। यस 2 3 1 आपने सही लिखा है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फिर ये सभी हैं तो प्लूरल हो जाएगा ना, इज किस लिए आएगा? यू ही और आपका एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यस, इंग्लिश लैंग्वेज हैज अल्फाबेट, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट्स हैं? हाउ मैनी अल्फाबेट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? यस जल्दी जल्दी बताएंगे, वही हम 60 70 क्वेश्चन कर लेंगे अगर आप जल्दी करोगे तो। ये सब आप पे डिपेंड करता है, जल्दी आंसर देंगे। इंग्लिश लैंग्वेज हैज अल्फाबेट्स डैश साउंड्स डैश कॉन्सोनेंट साउंड्स और वाउल साउंड्स। ओके क्वेश्चन 9 है नीलमणि जी, आप बिल्कुल ध्यान से देंगे आंसर, रोंग नहीं करना है। हाँ बिल्कुल सही, सबसे पहले सीरत जी ने दिया है। ओके ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, वेरी गुड। लैंग्वेज इज, व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है? आज का आपका होमवर्क है, व्हाट इज लैंग्वेज, डिटेल में आप पढ़ोगे। लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज के क्या यूज हैं, द वे ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्ड रिलेशनशिप, क्रिएट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी,
ऑल ऑफ द अबव। आपके आंसर बाद में आ रहे हैं, जल्दी जल्दी दो ताकि हम सभी क्वेश्चन कर पाए और आप लोग भी अपनी स्पीड बढ़ा सकें, क्वेश्चन देखें और आंसर दें। ओनली वन ऑप्शन कैसे हुआ? देखो, लैंग्वेज से, लैंग्वेज क्या है आपका? कम्युनिकेशन वे है, बिल्कुल द वे ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का साधन है, ठीक है। और फिर क्या होता है, बातचीत करते हो तो उससे क्या होता है, रिलेशनशिप बनते हैं सोसाइटी में, सेंस क्रिएट होती है। सभी ऑप्शन सही हैं, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे सभी ऑप्शन। मोनोफ्थोंग वाउल साउंड और डिप्थोंग वाउल साउंड कितनी है? क्वेश्चन नंबर 11। ये सारी चीजें मैं बहुत अच्छी तरह से समझा चुकी हूं और सभी स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी क्यों नहीं समझ आया? क्रिएट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी सोसाइटी की सेंस, यस। बातचीत करोगे तो सोसाइटी में क्या होगा? सोशल डेवलपमेंट होती है कि नहीं? यस, लैंग्वेज आपके सोशल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है, कम्युनिटी यानी कि सोसाइटी। मोनोफ्थोंग वाउल साउंड, डिप्थोंग वाउल साउंड। यस, बिल्कुल सही ऑप्शन डी, सही आंसर है सबका। बहुत अच्छे स्टूडेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट है, यस, वो क्वेश्चन आपके थोड़ा लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड थे, लैंग्वेज से रिलेटेड थे और अभी आपके पेडागोजिकल क्वेश्चन हैं, ठीक है। अ टीचर डेमोस्ट्रेट्स इन क्लास फर्स्ट हाउ टू राइट द लेटर ऑफ द अल्फाबेट। फर्स्ट क्लास में एक टीचर बता रहे हैं कि कैसे लेटर राइट करते हैं। शी डिस्क्राइब्स वेयर टू स्टार्ट, और वो बता रही है, मैम है, कि लेटर कहाँ से कैसे शुरू करते हैं, स्टार्ट करना सिखा रही है फर्स्ट क्लास में, कैसे आप राइटिंग करोगे, कैसे एक अल्फाबेट राइट करोगे। तो जो ये मैम सिखा रही है, ये क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? व्हाट डज शी ट्राई टू मेक हर लर्नर, उसके स्टूडेंट्स को मैम क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? राइटिंग रबरिक्स, राइटिंग स्किल, या मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, या हैंड आई कोऑर्डिनेशन। यस, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल। हाँ, आप 12 कर सकते हो इसको। नहीं, देखो, इसमें बच्चे को लेटर स्टार्ट करना सिखाया जा रहा है। क्या सिखा रही है मैम? अच्छी तरह से पढ़ो, फर्स्ट क्लास में बच्चा है, और कैसे अल्फाबेट मूव करते हैं, ठीक है। कैसे हम पेंसिल उठा के स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ऐसे आप ए बनाओगे, ऐसे पॉइंट से ऐसे ए बनाओगे, फिर ऐसे ए बनाओ। तो ये आपका हो गया मैकेनिक्स, ठीक है।
तो आपको ये सिखाया जा रहा है कि ऐसे लेके जाओ, ऐसे करो और फिर ऐसे। तो ये क्या हो गया, एक मैकेनिक। जैसे मैकेनिक आपकी गाड़ी ठीक करता है, ऐसे ही स्टार्टिंग से एक टीचर बच्चे को लेटर स्टार्ट करना सिखा रही है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। अ टीचर डिजाइन्स अ टेस्ट टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द पुअर ग्रेड्स ऑफ हर लर्नर्स थ्रू अ एन। एक टीचर ने टेस्ट डिजाइन किया है बच्चों के कारण जानने के लिए, पुअर ग्रेड्स उसके स्टूडेंट्स के आए हैं, अच्छे नंबर आए हैं, नहीं आए हैं, ठीक है। तो कौन सा टेस्ट है वो, एप्टीट्यूड टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, या प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। कोज का पता लगाने के लिए, फाइंड आउट द कोज ऑफ द पुअर ग्रेड्स, अच्छे नंबर नहीं आए, क्या कारण है वो पता लगाने के लिए एक टेस्ट ले रही है मैम, ठीक है। तो आपका हो जाएगा डायग्नोस्टिक टेस्ट, रीजन का पता लगाना डायग्नोस्टिक, है ना। हाँ बिल्कुल सही है सबका। बिल्कुल क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आए, आप लोगों को अच्छा आंसर देना है, सही आंसर देना है। हाँ पहले कारण जानना फिर उपचार करना, बिल्कुल सही। व्हाट इज एंगेजमेंट विद लैंग्वेज, लर्नर्स वर्क इन एंड वर्क विद लैंग्वेज फॉर पर्पस, लर्नर्स लर्न द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, लर्नर्स डिकोड द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, टीचर वर्क विद लर्नर्स फॉर लैंग्वेज। बिल्कुल जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम ओवर हो चुका है आपका। यस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हाँ थैंक यू नीलमणि जी, बिल्कुल ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। कितनी डेट को आपकी पॉलिसी आई थी और कौन लेके आया था, ठीक है। और सबसे पहले आपकी ये एजुकेशन पॉलिसी कौन से स्टेट में कहाँ पर लागू हुई है, एसी। ओके एसी बन गया आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, क्योंकि ए और सी आपका सेम ऑप्शन है। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ऐसे राइट करते रहिएगा, बहुत अच्छा नीलमणि जी। और हायर एजुकेशन में क्या चेंज आया है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो भी देखेंगे।
अ टीचर डेमोस्ट्रेट्स इन क्लास फर्स्ट हाउ टू राइट द लेटर्स डिस्क्राइब टू स्टार्ट एंड हाउ टू मूव फॉर राइटिंग। ये तो आप अभी बता दोगे, है ना, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ऐसे ऐसे अगर आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आ जाए रिपीटेड तो अच्छा हो जाएगा। ओके, अ क्लासरूम इन प्राइमरी क्लासेस हैज कार्टून बुक्स स्मॉल बुक्स। एक क्लासरूम है प्राइमरी क्लास का, ठीक है, क्लासरूम है प्राइमरी क्लास का और उसमें कार्टून की बुक्स हैं, छोटी छोटी बुक हैं, तो वो क्या है? छोटी छोटी बुक्स हैं 10 पेजेस की और बहुत इलस्ट्रेशन एंड न्यूज़पेपर भी हैं, तो व्हाट डज द क्लासरूम डज हियर? क्रिएटिंग एन एकेडमिक एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर क्लासरूम में ये सब रखने का क्या मतलब है एक टीचर का? ओके ओके चल क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर आया है, वेरी गुड, याद है आप लोगों को। चलो बहुत कम बच्चे हैं लाइव, क्या बात है, बच्चों ने पढ़ाई करना छोड़ दिया क्या? यार हमारी क्लास अच्छी नहीं लग रही। अगर आप लोगों को लगता है कि क्लास में कुछ क्वेश्चन अच्छे नहीं है, कमी है, तो आप लोग जरूर सजेस्ट कीजिएगा आप लोगों को कैसे क्वेश्चन चाहिए। और इनमें से लेकिन मुझे लगता है आपके सीटेट में बहुत क्वेश्चन आ जाएंगे। यस, और मेन इम्पोर्टेंट है कि आप स्पीड इंक्रीज करें, क्वेश्चन पढ़ के आंसर देना सीखें, ठीक है, इंटरैक्टिव, ठीक है। इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन द लर्नर्स आर इंटरैक्टिव, बिल्कुल ओके। चलो ओके, थैंक यू, अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कुछ और नीड है, कुछ और क्वेश्चन चाहिए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर दिया करो। ओके, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू अबाउट लैंग्वेज इज, कौन से स्टेटमेंट लैंग्वेज के बारे में ट्रू है, इन ऑप्शन में से आप बताओगे? All languages use essentially the same number of sounds. थोड़ा सा हिंदी बना के देख लो, सभी languages में same number of sound है, जरूरी same number of sound. All native speakers of language learn the basic rules of grammar. जो native speaker हैं, गाँव के लोग हैं, उनके लिए बोलने से पहले grammar सीखना जरूरी है। While the different languages may use different phonemes, जबकि अलग अलग लैंग्वेज अलग फोनीम, they all essentially share the same syntax, तो
तो क्या सबका सेम सिंटैक्स होना जरूरी है? सभी ऑप्शन देखो लैंग्वेज के लिए। देखो मान लो एक फोनीम है, फोनीम डिफरेंट डिफरेंट है, ये बोल रहे हैं कि फिर सबका स्ट्रक्चर एक होना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, तो सभी ऑप्शन आपके महागलत हैं। हाँ, एक बार अच्छी तरह से देख ले ध्यान से सभी ऑप्शन, सभी में कहीं ना कहीं एक-एक पॉइंट हैं जो गलत बता रहे हैं। यस, ऑप्शन डी होगा। हाँ सीरत, कोशिश करते हैं, चलो आप लोगों को उससे रिलेटेड पढ़ाने की बताने की, और बाकी आपका एग्जाम आएगा तो पीसफुल देना है बिल्कुल। यस, अगर हम सीटेट एग्जाम प्रिपेयर करेंगे तो सभी बच्चों का क्लियर हो जाएगा। चलो, अ स्टूडेंट मेक्स एरर इन सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड द टीचर शुड डू। एक स्टूडेंट है जो गलती करता है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड में, और एक टीचर को क्या करना चाहिए? जहां पे भी आपको लगता है कि कहीं नेगेटिव पॉइंट है वो कट कर दो वहीं पे। देखो, बी पनिश्ड बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ओनली रूल राइट करने से बच्चा नहीं समझता। ठीक है नीलमणि जी, बिल्कुल ले लेंगे, नो प्रॉब्लम, हम सोच ही रहे हैं मैराथन लेने की, और वैसे भी इंग्लिश का हर रोज मैराथन ही चलता है। हाँ, इंग्लिश का तो मैं हर रोज मैराथन ही लेके आती हूँ। देखो, आपको सभी टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं। ओके, थैंक यू सीरत। आप लोग कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, और हर रोज अच्छी क्लास बनाने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं अलग अलग क्वेश्चन लेके आती हूँ, ताकि सभी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। क्वेश्चन थोड़े से घुमा फिरा के आएंगे, बाकी इन्हीं में से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे जितनी हमने क्लासेज की हैं, क्योंकि सभी में सीटेट से रिलेटेड पूरा सिलेबस हमने कवर कर दिया है। तो बस आप रिपीट करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। अ टेस्ट हैज वॉइस कंजक्शन प्रीपोजिशन, ये तो हमने शायद कल भी किया था ना। एक टेस्ट है जिसमें वॉइस भी है, कंजक्शन भी है, प्रीपोजिशन भी है, बिल्कुल सब कुछ सम्मिलित है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है उसमें सम्मिलित होना, मिक्स्ड हम नहीं बोल सकते। वैसे बोलने में हम नॉर्मल बोल देते हैं मिक्स्ड, लेकिन सही नहीं होगा, इसलिए इंटीग्रेटेड आपका सही होगा। ठीक है, यस। इंसिडेंटल मेथड, कोरिलेशन मेथड, रिफरेंस मेथड, और दोनों। चलो जल्दी जल्दी से करेंगे ये हम लोग, क्योंकि ये आप लोगों के किए हुए क्वेश्चन हैं, तो बस एक बार हम हर रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लें, ताकि ये आपके कौन से क्वेश्चन बन जाए एक बार मुझे बताना। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये आपके कौन से वर्ड बन जाएंगे, याद है तो राइट कर दें।
जो आपके आंखों के सामने आते ही आप पहचान जाते हो वो कौन से वर्ड होते हैं। लेक्सिकल, कंटेंट, साइट वर्ड, कौन से वर्ड होते हैं? मोर्फोलॉजी वर्ड आपका ग्रीक से आया है, लेटिन से आया है या इंडियन है? मोर्फोलॉजी ग्रीक वर्ड है। कई बार ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क्स के। यस, सिंटैक्स क्या है, लिंग्विस्टिक क्या है? हाँ बिल्कुल सही, साइट वर्ड। मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया सीरत। ये हर रोज इसलिए लेके आती हूँ ताकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना। चलो कल हम लेके आएंगे और भी अच्छे क्वेश्चन और बिल्कुल डिफरेंट टाइप से। चलो, क्लास अच्छी लगी है तो एक बार फीडबैक दे दें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और आज आज का आपका होमवर्क है, देखते हैं कल कितने स्टूडेंट्स करके आते हैं। दे दूं होमवर्क? आज का आपका होमवर्क है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है इसलिए चलो, एक तो आप लोग ग्रामर रिवाइज करेंगे। ग्रामर में क्या रिवाइज करोगे? पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, कल उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन लेके आएंगे और साथ में पैडागोजी कल भी लेके आएंगे, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच और एक रिवाइज करेंगे फिगर ऑफ स्पीच जो मैंने करवा रखे हैं। पोएम में से आपको क्वेश्चन छांटने आ जाएंगे। फिगर ऑफ स्पीच याद है या नहीं ये बता दें और रिवाइज करके कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे, ठीक है। क्या करोगे? कमेंट सेक्शन जो हमारा है, कमेंट सेक्शन है ना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सब ये राइट करोगे, ये आपका होमवर्क है। उसमें आपको नेटवर्क की जरूरत नहीं होगी ज्यादा, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच में से क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे पैसेज के। और एक है आपका व्हाट इज बैलेड, व्हाट इज ऑड, बैलेड क्या है, ओड क्या है, सोनेट क्या है, ये तो मैंने कल भी बताया था। ठीक है, 2-3 ये चीजें रिवाइज कर लेना और कमेंट सेक्शन में राइट कर देना। फिर देखती हूँ मैं आप लोग कितना वर्क करते हो और फिर हम आप लोगों का मैराथन भी लेंगे। ओके, अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर में कहीं डाउट है फिर मुझे बताना, फिर मैं आपको दोबारा से आपको समझा दूंगी। इसलिए बोला है कि रिवाइज कर लेना, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। ओके,
थैंक यू एवरीवन। क्लास की फीडबैक जरूर दें और क्लास को शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक्स, बाय।